नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के स्टेजेस के बारे में कि कौन से स्टेज में क्या आप सिम्टम आपकी बॉडी में आते हैं, ये स्टेजेस कैसे निकाल ली जाती हैं, ये GFR क्या होता है, किडनी से GFR कैसे निकलता है, कैसे आपके स्टेज का हम पता लगाते हैं और इस स्टेज का मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि कैसे सबसे पहले आपकी स्टेजेस निकाली जाती हैं। किडनी फेलियर के स्टेजेस निकालने के लिए हमें चाहिए होती है वैल्यू GFR की, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये वो रेट होती है जिससे पता लगता है कि किडनी किस स्पीड से आपका ब्लड को साफ करके यूरिन की फॉर्मेशन कर रही है। इसको निकालने के लिए हमें एक क्राइटेरिया चाहिए होता है, एक टेस्ट चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं आपका KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो अगर आपकी क्रिएटिनिन वैल्यू आ रही है, उस क्रिएटिनिन वैल्यू को हम एक छोटे से फॉर्मूले में डालते हैं, उस फॉर्मूले से निकलता है आपका GFR। इसे EGFR करके आपकी रिपोर्ट्स में ऑलरेडी प्रिंटेड भी हो सकता है कि वो आपके रिपोर्ट से प्रिंटेड ना हो, बट घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर आप अपनी GFR की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वही GFR होता है जो आपके रिपोर्ट में प्रिंट होकर आता है। जिन पेशेंट को लगता है कि GFR कोई अलग से टेस्ट है जो उनके ब्लड से पता लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिंपली एक एस्टिमेटेड GFR होता है जो कि आपकी क्रिएटिनिन वैल्यू के हिसाब से निकाला जाता है। अब इसके लिए हमें साथ में क्रिएटिनिन वैल्यू के साथ आपकी एज चाहिए होती है, आप कहाँ के रहने वाले हो वो चाहिए होता है। जब आप उसे एक सिंपल फॉर्मूले में डाल देते हो तो वो आपकी GFR वैल्यू निकाल देता है। अगर आपको अपनी GFR वैल्यू पता है या आप निकाल चुके हैं तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका GFR 90 ml/min या उससे ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि या तो आप नॉर्मल हैं या फिर आपको स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर है। स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर और नॉर्मल के अंदर बस थोड़ा सा फर्क यही होता है कि अगर आपको स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर है तो आपका GFR तो नॉर्मल इंसानों वाला आएगा, मगर उसके अंदर आएगा प्रोटीन लॉस, यानी जब आप यूरिन करेंगे तो उसमें झाग बनना एक कॉमन सिम्टम आना शुरू हो जाता है और ये पहला निशानी होती है, पहला सिम्टम होता है जिसे अक्सर मैक्सिमम किडनी फेलियर के पेशेंट इग्नोर कर जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ पेशेंट को काफ़ी वीक बना देता है या फिर किडनी फेलियर के अगली स्टेजेस पे ले जाता है। तो इसको जानना पहचानना आसान नहीं होता, इस वजह से ही मिस्टेक होती है। ये जो प्रोटीन आने से जो झाग बनती है, इसको समझ जाए और इस पर सही तरीके से काम करना शुरू कर दे तो पहली स्टेज से ही कंट्रोल करने की वजह से पेशेंट में इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से होती है। ये चीज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे किडनी की फिल्ट्रेशन सही होती है, किडनी नॉर्मल होता है बट प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है। तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम को भी किडनी फेलियर की फर्स्ट स्टेज की तरह ही कंसिडर किया जाता है कि अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, तो फ्यूचर में आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो ज़रूरत क्या होती है कि जब आपको पता लगे कि आप किसी भी स्टेज में ऑफ किडनी फेलियर में हैं, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड में है, कभी भी इसे इग्नोर ना करें, क्रिएटिनिन का बढ़ने का वेट ना करें, फर्स्ट स्टेज से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब आते हैं स्टेज टू में क्या होता है कि आपका GFR की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। अब आप जब अपने GFR निकालेंगे तो जो आपकी GFR की वैल्यू आएगी वो 60 ml/min to 90 ml/min के बीच में आएगी, उसे हम कहते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में भी कुछ खास परिवर्तन नहीं आता, क्रिएटिनिन की वैल्यू आपको थोड़ी सी अप मिल सकती है, हो सकता है आपको 1.2, 1.3, 1.4 जरा मार्जिनली हाई आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसके साथ आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है, ये पक्का बताता है कि आपकी किडनी को किसी ना किसी तरह का डैमेज चल रहा है और आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप स्टेज 2 पे हैं तो आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आएगा, कोई लक्षण नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आपको ज़रा भर की तकलीफ नहीं हो रही होगी, बस इतना हो रहा होगा कि जब आप ब्लड का टेस्ट करवाते हैं तो क्रिएटिनिन आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है और आपको थोड़ा सा बस प्रोटीन लॉस होता है। इससे ज़्यादा पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता स्टेज 2 के अंदर। अब चलते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 कैसी स्टेज होती है जहाँ पर जो GFR की वैल्यू अगर हम निकालते हैं आपके क्रिएटिनिन के हिसाब से, वो थोड़ी और कम आ जाती है, वो 30-60 के बीच में आ जाती है। 30-60 के बीच में आने की वजह से अब पेशेंट में थोड़े बहुत हो सकता है कि सिम्टम आ रहे हो, मगर ज़्यादातर पेशेंट को इस स्टेज में भी नहीं पता लगता कि उनकी बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है। प्रोटीन लॉस बहुत लंबे टाइम होने की वजह से पेशेंट के अंदर वेट लॉस देखने को मिल सकता है, या पानी का भरना देखने को मिल सकता है क्योंकि वाटर की एक्युमुलेशन शुरू हो रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। क्रिएटिनिन की वैल्यू 3 या 4 के आसपास देखने को मिल सकती है, मगर पेशेंट की ये जो स्टेज होती है ये भी
अनडायग्नोज चली जाती है क्योंकि पेशेंट की बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता, और जो सिम्टम आ रहे होते हैं वो इतने लाइट होते हैं, पेशेंट को लगता है कि मुझे थकावट हो रही है, एक गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी चेक करता है, वीकनेस हो रही है, अच्छा मल्टीविटामिन ले लो, वहाँ पर ये दिक्कत होनी शुरू होती है। मगर इस स्टेज के अंदर अक्सर आप देखते हैं कि आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, कि बीपी आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, और शरीर के अंदर खून की कमी भी थोड़ी बहुत आप देख सकते हो, कि पेशेंट के कुछ केसेस के अंदर आपको लो हीमोग्लोबिन लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा पेशेंट को सिम्टम खास जनरेट नहीं होते। अब चलते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 वो स्टेज है जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आपके लेवल होते हैं वो अपने अराउंड 5-6 के आसपास आ चुके हैं थायरॉइड लेवल, और आपका जो GFR अगर आप निकालते हैं वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 15 से 30 के बीच में आ चुका होता है, 15-30 के बीच में होता है। जब आपका GFR इतना घट जाता है, किडनी इतना कम काम कर रही होती है, तो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, पोटेशियम इकट्ठा हो रहा है। तो जब इतना सारा वेस्ट मटेरियल, इतना सारा टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा, तो बॉडी में ऑब्वियस है कई टाइप की चीज़ें भी करेगा, कॉम्प्लिकेशन भी लाएगा, सिम्टम भी लेकर आएगा। तो इस स्टेज पे जाकर पेशेंट को सबसे ज़्यादा फील होना शुरू होता है, पेशेंट को खुद से पता लगता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत हो रही है, फिर टेस्ट वेस्ट होते हैं, फिर जाके पता लगता है कि हाँ आपको किडनी की दिक्कत हो रही है। तो इस स्टेज पर आते आते ऑलरेडी काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका होता है। तो इस स्टेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि पेशेंट के अंदर नौजिया, वॉमिटिंग, इचिंग जैसी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, यूरिया बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो रहा हो तो पेशेंट को भूख लगनी खत्म हो जाएगी, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल खाना बंद कर देगा, तो ये दिक्कत हो जाती है। क्रिएटिनिन अगर बहुत ज़्यादा वैसे बढ़ना शुरू हो जाए तो पेशेंट को बॉडी में मसल्स में क्रैम महसूस होना या फिर इचिंग होना एक कॉमन लक्षण है, स्किन पर रैशेज हो जाना कॉमन लक्षण है, ये चीज़ आपका क्रिएटिनिन करता है। उसी तरह से अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाए, तो क्योंकि उसका असर आपकी मसल्स पर पड़ता है, मसल्स में वो थकावट पैदा करना शुरू करता है, और साथ में आपकी जो हार्ट बीट है वो अनइवन कर देता है, इरेगुलर कर देता है, तो वो चीज़ आपको फील हो सकती है, पल्पेशंस फील हो सकती है। तो आपकी बॉडी में कौन सा टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा होगा, उसी से बिहाव पर आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम आते हैं। अगर आपकी बॉडी में यूरिया ठीक है, पोटेशियम ठीक है, सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं बहुत मामूली से होते हैं, मसल्स क्रैम, थकावट या फिर आपको इचिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मगर क्रिएटिनिन जो बढ़ रहा होता है वो चाहे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम पैदा ना करे, बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा ना करे, मगर वो खुद में बहुत कुछ बताता है किडनी के हेल्थ के बारे में, कि किडनी क्या क्या कितना नुकसान वो सह रही है। और इसी के बिहाफ पे हम आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि GFR भी निकालते हैं, और GFR से ही पता लगता है कि आपकी किस स्टेज की किडनी फेलियर आपको चल रहा है। तो स्टेज 4 के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर आप स्टेज 4 तक भी पहुंच गए हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। किडनी की एक खास काबिलियत होती है अपने फंक्शनिंग को बढ़ाकर इस सारे टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना। उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है किडनी के ऊपर, किडनी को फेल करने वाले कारणों के ऊपर। अगर एक सही पेशेंट, एक किडनी फेलियर का पेशेंट सही तरीके से अपनी बीमारी को समझना शुरू करता है, तो वो देखता है कि वो जो भी मेडिसिन ले रहा है, जो भी मेडिसिन वो खा रहा है, वो उसकी किडनी पर काम नहीं कर रही। उसकी मेडिसिन अगर आप प्रिस्क्रिप्शन आपके पास तो उसमें देखो, मेडिसिन आपको मिलेगी कैल्शियम की, मेडिसिन मिलेगी विटामिन डी की, मेडिसिन मिलेगी आपको आयरन की, मेडिसिन मिलेगी बीपी की, मेडिसिन मिलेगी शुगर की, मेडिसिन मिल सकती है आपको कोलेस्ट्रॉल की भी मिल जाए, या फिर मेडिसिन में आपको थोड़ी बहुत मिलती है डायबिटिक्स, जिससे पेशाब थोड़ा खुलकर आता है, जो स्वेलिंग है वो चली जाए। इससे ज़्यादा मेडिसिन किसी भी की भी प्रिस्क्रिप्शन में शायद ही होती होगी। अगर कोई रह गया है तो वो रह जाता है एरिथ्रोपोएटिन, जो हार्मोन होता है कुमड़ाने के लिए दिया जाता है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो किडनी की फंक्शनिंग में काम कर रही हो। किडनी को फंक्शनिंग को बढ़ाकर भी तो हम आपकी बॉडी में सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, कि अगर हमें बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो बॉडी के अंदर उसको हम डालें ही कम, या फिर उसको बॉडी से अच्छे तरीके से बाहर निकालें। तो साइंस इंजीनियरिंग में यही काम करते हैं कि जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनको हम पूरी तरह से बताते हैं कि आपने किस तरह से खाना है जिससे आपकी बॉडी में कम से कम अमाउंट में वेस्ट मटेरियल जाए, और किस तरह से आप किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के किडनी पे काम कर अपनी ये जो दिक्कत है उस पर आप काम कर सकते। क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है किडनी फेलियर का, किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, इसके अंदर पहला स्टेप ही यही होता है कि किडनी फेलियर के जो पीछे जो कारण है, जो कॉज है, उसको आइडेंटिफाई
रखना आपके केस के अंदर। हो सकता है वो पीपी हो सकता है वो शुगर हो सकता है वो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, आईजी नेफ्रोपैथी की तरह या पॉलीसिस्टिक किडनी की तरह, तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो बीमारी आइडेंटिफाई हो जाती है कि आपको ये दिक्कत इस वजह से हो रही है, उसके बाद आपका सही तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाता है। इसमें हम काम क्या करते हैं, हम आपके कॉजेस पर काम करके कंट्रोल कर देते हैं और आपकी जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ की वो रोक दी जाती है। यानी अगर आपके जो लेवल्स 4 है 5 है अगर हम बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं तो कम से कम ये होता है कि किडनी को जो नुकसान हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं हो पाता। एक बार ये चीज़ अचीव हो जाती है तो अब शुरू होता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर किडनी फंक्शन रीस्टोरेशन ट्रीटमेंट, आपकी किडनी की फंक्शनिंग में काम करते हुए किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर बॉडी में जो एक्यूमुलेट वेस्ट मटेरियल हो रहा है, क्रिएटिनिन हो रहा है, यूरिया हो रहा है, उसको बॉडी से बाहर निकालना शुरू करता है। और जैसे ही वो बॉडी से बाहर जाना शुरू करता है बॉडी अंदर से क्लीन होना शुरू हो जाती है। और जब ये टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाता है, जो बॉडी में सिम्टम आ रहे होते हैं, चाहे वो नोजिया है, वॉमिटिंग है, फिशी स्मेल है, हेडेक है, फटीक है, ये सब डिसेबल करना शुरू कर देता है। बॉडी में आपको ताकत महसूस होनी शुरू होती है क्योंकि बॉडी में अब वेस्ट मटेरियल नहीं होता, बॉडी को अब किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ रही होती क्योंकि आपकी किडनी अब खुद सफिशिएंटली काम कर रही होती है। आपको किसी फिस्टुला बनवाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपकी किडनी खुद ब खुद काम कर रही होती है। आपको किसी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब आपकी किडनी खुद ब काम कर रही होती है। तो साइंस इंजीनियरिंग हमारी यही कोशिश होती है कि किडनी फेलियर के सभी पेशेंट्स को हम ये जागरूक कर सकें कि आप अपनी किडनी पर काम कर अपने आप को डायलिसिस, अपने आप को ट्रांसप्लांट से बहुत अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। अब चलते हैं स्टेज 5। स्टेज 5 को कहा जाता है कंप्लीट रीनल फेलियर, जिसके अंदर आपकी GFR वैल्यू 15 से भी नीचे आ जाती है। और इस स्टेज पे पहुंचते क्रिएटिनिन अगर हम एवरेज देखें तो 7 या 7+ कर चुका होता है। पेशेंट को डायलिसिस के लिए एडवाइस कर दिया जाता है कि जाइए आप अपना डायलिसिस करवाइए, आपकी ज़िंदगी डायलिसिस के बहाने ही चलेगी, बिना डायलिसिस के आप काम नहीं कर पाएंगे। मगर जो पेशेंट अभी 7 लेवल पे पहुंचे हैं, 8 लेवल पहुंचे हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वहां से भी हम रिवाइव कर सकते हैं किडनी को बहुत ईजिली। तो जहां पर पेशेंट इस लेवल पर हमारे पास साइंस इंजीनियरिंग में आता है, हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले उसकी जो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म की जाए। तो उसको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो 15 दिन के बाद या हफ्ते बाद भी टेस्ट करवा देते हैं कि कम से कम ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि आपके लेवल्स अब डाउन होने शुरू हो गए हैं, तभी आपकी रिक्वायरमेंट हम डायलिसिस की रुकवा पाते हैं। तो एक बार आपके जो लेवल क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हो गया, बॉडी से यूरिया बाहर जाना शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिक तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है डायलिसिस की वो ख़त्म हो जाती है। पेशेंट की किडनी अपने आप फंक्शनिंग करना शुरू कर देती है, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना शुरू करती है, बॉडी में जितने सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो डिसअपीयर करने शुरू कर देते हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम सही तरीके से काम करते हैं किडनी पे, जहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है किडनी पर जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका आपको एब्सेंट मिलेगा अपनी सारी की सारी मेडिसिन के अंदर। आप तमाम दवाइयाँ खा रहे होंगे मगर कोई दवाई ऐसी नहीं खा रहे होंगे जो आपकी किडनी पर काम करी हो, क्योंकि वो पार्ट अभी एलोपैथी में डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते। ये जो पार्ट है ये आयुर्वेद का सबसे अच्छा है, इसलिए अभी प्रेजेंट की डेट में हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद के पास ही ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के किडनी की फंक्शनिंग से आपके बॉडी में लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे किडनी फेलियर के स्टेजेस के बारे में, कि किडनी फेलियर की स्टेजेस में कौन सी स्टेज पे क्या सिम्टम आता है, कैसे पता लगता है, क्या आपको करना चाहिए किस स्टेज पर। आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक पर भी आके मुझसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी नंबर यही सेम है, और आप हमारी वेबसाइट scienceindia.com पर जाकर भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे चलने के आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।